Hello kids, today we will start new exercise 46 of chapter 12, measures of length, mass and capacity. चलिए देखते हैं क्या करना है हमें. Question first is express each of the following into centimeter. देखिए यहाँ आपको एक length दी हुई है 70 mm means millimeter, जिसको आपको centimeter में convert करना है. इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें क्या था, जो हमें लेंथ दी थी वो हमें बड़ी दी थी और उन्हें हमें छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना था, है ना. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें जो लेंथ दी है वो छोटी यूनिट के साथ दी है जिसे हमें बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है. जब हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वहां हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो इससे पहले जो एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें हमने क्या सीखा था, जो यूनिट्स हमें दी थी बड़ी बड़ी दी थी जिन्हें हमें छोटी में कन्वर्ट करना था, तो उसके लिए हमने वहां मल्टीप्लाई किया था. यहाँ हमें छोटी यूनिट दी है, यहाँ हमें इन्हें बड़ी में मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ हम डिवाइड करेंगे. तो चलिए सॉल्व करते हैं. जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 70 mm, वी नो दैट 1 cm इक्वल्स टू 10 mm. देखिए यह सेंटीमीटर की बात होगी इसलिए हम यहाँ पर जो लेंथ लिखेंगे वो हम सेंटीमीटर के लिए लिखेंगे, ठीक है, और मिलीमीटर की बात हो रही है. अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है 70 mm. जैसा कि अभी आपको बताया था छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, डिवाइड. तो यहाँ हम क्या करेंगे, 70 में डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है. अब देखिए 70 जब 10 से डिवाइड करोगे, 10 7 70 हुआ, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 7 cm. इसे हमने 70 उसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 7 cm. ओके, क्वेश्चन सेकंड देखिए. यहाँ पर आपका पार्ट बी है 85 mm, जिसे आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं. सेम पैटर्न आपको यहाँ पर करना है, वी नो दैट 1 cm इक्वल्स टू 10 mm, ठीक है. ये आपका लिख लिया फॉर्मूला. अब आपकी जो लेंथ दी है उसे आप यहाँ पर नोट डाउन कीजिए. हमने यहाँ लिख लिया 85 mm. अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ आपका सिंपल था 70 दिया था, 10 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया. लेकिन यहाँ पर इस तरह की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 85 है, 80 and 5. तो 80 जो है वो हो गई आपकी सेंटीमीटर में, उसे हम कन्वर्ट करेंगे. जो बाकी का 5 है वो आपका मिलीमीटर में है, क्योंकि सेंटीमीटर के लिए हमें कम से कम 10 mm जो है वो चाहिए होता है. तो यहाँ पर आपका 85 दिया है, तो पहले हम इसे अलग अलग कर लेते हैं. तो देखिए ये हो गया आपका 80 प्लस 5 क्या हो गया यहाँ पे, मिलीमीटर, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, 80 को डिवाइड करेंगे 10 से, इसे हमें मिलीमीटर में चेंज करना है. 5 को हम मिलीमीटर में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी मिलीमीटर में है, ठीक है. तो देखते हैं यहाँ पर 85 mm इक्वल्स टू 80 / 10 cm प्लस 5 mm, क्योंकि अभी आपको जैसा बताया कि अगर हमें इसको भी चेंज करना है तो ये 10 से कम है, और 10 से कम वैल्यू जो दी है वो ऑलरेडी मिलीमीटर में है, तो कम से कम हमें मिलीमीटर में चेंज करने के लिए, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 mm चाहिए. यहाँ 80 mm है, 10 से डिवाइड करेंगे 80 को, कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर प्लस 5 mm. अब देखिए इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की ही यूनिट जो है वो अलग अलग है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8 cm and 5 mm. ठीक, इसी तरह आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करने हैं. एंड पार्ट बी क्वेश्चन 2 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मीटर्स. अब देखिए यहाँ जो लेंथ दी है सेंटीमीटर में, इसे आपको मीटर में कन्वर्ट करना है. सेम यहाँ पर आपको दिया है छोटी लेंथ दी है, छोटी यूनिट दी है जिसे आपको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है. तो सेम यहाँ पर हम फॉर्मूला आपका लिखेंगे, वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर.
जैसा कि आपका क्वेश्चन दिया है 400 सेंटीमीटर, तो 400 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है, क्योंकि हमें मीटर में चेंज करना है इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। कितना आ जाएगा बेटा? 4 मीटर। समझ आया? पार्ट बी देखिए, यहां पर आप इसको भी हम इसी तरह से करते हैं। वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको भी कन्वर्ट करना है। आपकी जो लेंथ है वो है 520 सेंटीमीटर। अब देखिए, जैसा कि अभी आपने यहाँ देखा था, यहाँ मीटर सॉरी सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों ही चीजें थी, सेम यहाँ पर है, हमें कम से कम 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर चाहिए चाहिए, तो 520, तो 500 जो है वो तो हो जाएंगे आपके सेंटीमीटर में, और 20 जो बचे सॉरी मीटर के लिए हो जाएंगे। अब 20 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, और हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम 100 सेंटीमीटर चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 500 + 20, ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखिए 520 जो है आपका, इसे आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 500 को डिवाइड करेंगे हम 100 से, प्लस 20 जो है वो आपका सेंटीमीटर में दिया है यहाँ पे, ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5, ये हो जाएगा 5 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। 20 को हम मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कम से कम 100 मीटर चाहिए, तो इस तरह आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके किड्स, देखें यहां पर आपका क्वेश्चन 3 है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन किलोमीटर। देखिए अब यहाँ हमें ये यूनिट लेंथ दी है वो है 5000 मीटर, ये भी छोटी यूनिट है जिसे हमें बड़ी यूनिट यानी कि किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें बेटा जितने भी क्वेश्चंस है, आपको एक चीज बता दें, सारे ही क्वेश्चंस में आपको डिवाइड करना है, बस आपको पता होना चाहिए कौन से यूनिट में नंबर दिया है और किस यूनिट में उसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। आपका जो नंबर है 5000 मीटर, इसको अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने इसे 1000 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5 मीटर, ठीक। अब देखिए पार्ट बी, 3800 मीटर है जिसे आपको यहाँ कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो इसे कैसे करेंगे? सेम पैटर्न यहाँ पर होगा। वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए आपका क्वेश्चन है 3800। अब देखिए बेटा यहाँ पर दोनों ही चीजें अब बिल्कुल अलग हो गई, 3000 एंड 800, तो 3000 को तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं बट 800 को नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटा है, हमें कम से कम कितने मीटर चाहिए? 1000। तो ये इसको अलग अलग कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3000 + 800 मीटर। देखिए अब आपकी जो लेंथ है इसमें अब हम क्या करेंगे, 3000 को डिवाइड कर देंगे 1000 से प्लस 800 को नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर + 800 मीटर। आपका आंसर आ गया देखिए 3 किलोमीटर एंड 800 मीटर, ठीक। तो इस तरह आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। कन्वर्ट 5380 मिलीमीटर इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर आपको जो लेंथ दी है 5380 मिलीमीटर, इस लेंथ को आपको मीटर और सेंटीमीटर दोनों में ही कन्वर्ट करना है। तो देखिए मिलीमीटर है, मिलीमीटर से बड़ी लेंथ कौन सी होती है, मीटर या सेंटीमीटर? मिलीमीटर से जस्ट बड़ी होती है सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो लेंथ आएगी उसे फिर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो लेंथ है वो है 5380, तो सबसे पहले हम इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में, ठीक है।
वी नो दैट, जैसा कि आपने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। आपकी लेंथ है 5380 मिलीमीटर, इसको क्या करेंगे हम 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा। डिवाइड करना आता है ना सभी बच्चों को, देखिए 10 5 50, माइनस किया 3 आया, नेक्स्ट डिजिट इज 8, 10 3 8 30, यहां पर आएगा आपका 8, और लास्ट डिजिट है आपका 0, और 10 8 80, देखिए कितना आया 538 किस में आया बेटा, ये आया सेंटीमीटर में, ठीक है। अब सेंटीमीटर में आ गया, इसके अलावा तो सॉल्व होगा नहीं, अब हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कर देंगे। तो फिर से एक फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर हम, वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, आपकी जो लेंथ है ये वाली, इसी को कन्वर्ट करेंगे अब हम, ठीक है, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये यहाँ आ गई, हम यहां से यहां कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर में दी है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए डिवाइड करेंगे 538 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, कितना आ जाएगा बेटा ये देखिए, यहां अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं इसमें, तो यहां पर आपको एक चीज दिख रही है 538 है, इसको अभी हम क्या करेंगे, इसको हम 500 और 38 को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए 538 है, ये हो जाएगा 500 प्लस 38 सेंटीमीटर। अब आप इजीली कर पाएंगे, 500 को डिवाइड कर देंगे हम 100 से, और जो आपका 38 है वो तो आपका रहेगा ही, तो कितना आएगा बेटा, 100 से गया ये 5 टाइम्स, तो यहां हो जाएगा आपका 5 मीटर, और यहां है आपका 38 सेंटीमीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक ही था, जो आपको आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आप खुद से अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक के सारे क्वेश्चन जैसे मैम ने पैटर्न बताया है उसी पैटर्न से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, जो इन 4 जो क्वेश्चन आपने किए उन्हीं पर बेस्ड है, तो उन्हें आप सॉल्व आउट खुद से करेंगे, ओके। इस तरह आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। नाउ यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर मैथ्स नोटबुक। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज, टिल देन बाय।